जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट काम किया था चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट वाला मेथड रेंज, जिसमें हमने बात की थी कि किसी डाटे की जो वेरिएशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे से पास सबसे पहला जो मेथड है वो रेंज है। उसका फार्मूला डिस्कस किया था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हमने नेक्स्ट मेथड स्टडी करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। उससे पहले एक चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक टॉपिक था क्वांटाइल्स, और उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्वांटाइल्स है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्वांटाइल्स मीन द डेटा डिवाइड इंटू सर्टन इक्वल पार्ट्स। जैसे हम बात करते थे मीडियन की कि जो डेटा है उसको इक्वल टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, तो जो मेन मिड पॉइंट है हमारा वो हमारे पास मीडियन होता है। या इस तरह बात कर लें कि मिड पॉइंट ऑफ डेटा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि आप पूरे डेटे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और यहाँ पे क्वांटाइल्स की जब बात हो रही है तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आप डेटे को मुख्तलिफ बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। और क्वांटाइल्स में आगे तीन मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वार्टाइल्स, नेक्स्ट है डिसाइल्स, और नेक्स्ट है परसेंटाइल्स। ये तीनों मेथड हमने डिस्कस करने हैं। तो क्वार्टाइल्स का क्या मीनिंग है? हम अगर क्वार्टरली क्वार्टर की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि किसी चीज़ को 4 जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो पोर्शंस आ जाते हैं वो हमारे क्वार्टर हो जाते हैं। तो हम उसको नाम दे देते हैं, पहला है Q1 यानी क्वार्टर 1, नेक्स्ट क्वार्टर 2, नेक्स्ट क्वार्टर 3 और अप टू सो ऑन। जितने ये होंगे बराबर इनका डिवीजन होगी। नेक्स्ट आ जाती है, अब इसको मैंने बाय डायग्राम भी शो किया हुआ है कि ये जैसे अब मेरे पास ये कोई डाटा था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ये मेरे पास, ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है ये Q1 आ गया, फिर ये Q2 आ गया, ये फिर Q3 आ गया। यानी आपने पूरे डाटे को इक्वल पार्ट्स में क्वार्टरली डिवाइड कर दिया, और जो वैल्यूज हैं आपके पास वो शो होंगी Q1, Q2 और Q3 इस तरह। नेक्स्ट है डिसाइल्स। डिसाइल वर्ड जो है इसका मीनिंग 10 से है, और आप पूरे डाटे को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और नेक्स्ट आ जाती है परसेंटाइल। परसेंटाइल परसेंटेज से निकला हुआ है, यानी आप पूरे डाटे को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए मेथड की तरफ। तो मैंने सबसे पहले इसमें बताया है कि मीडियन में हम क्या करते थे, अगर हम अनग्रुप डाटा में बात करते थे तो हमारे पास था n+1/2 वैल्यू, यानी इसमें हम n की वैल्यू पुट करते थे, तो जो सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास आंसर आता था उसने उतने नंबर पे जो वैल्यू पड़ी होती थी वो हमारा मीडियन का आंसर होता था। नेक्स्ट अगर आ जाए तो ग्रुप डाटा में, हम यहाँ पे ये फार्मूला सारा इन तीनों मेथड्स में सेम रहेगा, जस्ट जो चेंज आएगा वो n/2 का है। यानी आप पूरे की पूरे डेटे की जो n है नंबर ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ f, आप पूरी फ्रीक्वेंसी को 2 पे इसलिए डिवाइड कर देते हैं क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे डिफाइन करना है अपने डेटे को। अब नेक्स्ट आ जाता है पहले वाला, मैंने इसको मीडियन से रिलेट इसलिए किया है क्योंकि ये आपका लिंक उससे करता है। तो क्वार्टाइल्स जब आएंगे क्वार्टाइल्स पे, तो आपके पास सारे का सारा फार्मूला मीडियन वाला होएगा। बस आपने जो डिवाइड किया था n+1/2 पे, अब यहाँ पे 4 पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने डाटे को। तो यहाँ पे देखें, फर्ज करें मैं Q1 फाइंड करना चाहता हूँ, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है जितने नंबर आप क्यू फाइंड कर रहे हैं, और डिवाइड कर देना है टोटल जितने आपके पास क्यूज हैं। यानी आपके पास टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हैं और मैं फाइंड कर रहा हूँ Q1, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n+1/4 और
टी एच यानी उतने नंबर पे वैल्यू आप सिंपलीफाई करके जो आंसर आपका आएगा जितने वो क्वांटिटी दे रहा होगा यानी वैल्यू दे रहा होगा उतने नंबर पे जो अरेंज डाटा होगा वो वैल्यू आपकी क्यू वन की होगी। इसी तरह क्यू थ्री की, थ्री से मल्टीप्लाई किया डिवाइड मैंने फोर पे ही किया है क्योंकि मेरे पास टोटल क्यूज जो हैं वो फोर हैं। नेक्स्ट आ जाए ग्रुप डाटा की तरफ, तो क्यू वन का फार्मूला जो है देखें जरा मीडियन की बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ जो चेंज है क्यू वन एल प्लस एच ओवर एफ इंटू वन एन ओवर फोर माइनस सी। वन एन इसलिए क्योंकि हमारे पास क्यू वन फाइंड हो रहा है और फोर इसलिए क्योंकि हमारे पास टोटल क्यूज फोर होते हैं। इसी तरह क्यू थ्री की बात करें तो थ्री एन ओवर फोर ओवरऑल फार्मूला वैसे का वैसा ही। नेक्स्ट आ जाए फॉर डी साइल्स, जब हमने डी साइल की बात करनी है तो बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही चल रहा है, सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो ये कि आप डिवाइड जब करेंगे तो जितने आपके डिसाइल्स टोटल हम 10 कहते हैं इनको, 10 पे डिवाइड कर देंगे जितना नंबर डी फाइंड कर रहे हैं वो आपका डी थ्री यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड 10 पे कर देंगे और एन प्लस वन वैसे का वैसा ही जैसे हम मीडियन में कर रहे थे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डी सेवन का फार्मूला, तो आप ये देख सकते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड 10 पे किया है। और इसी तरह ग्रुप में जब करना है तो जो हमारा पोर्शन चेंज हो रहा है एवरी टाइम वो ये है, बाकी का सारा फार्मूला वही रहेगा 3n ओवर 4 10 इसलिए है क्योंकि d3 फाइंड कर रहा हूँ तो n से मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। इसी तरह d7 का ग्रुप में। नेक्स्ट परसेंटाइल्स का, यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल्स इसकी बनाई हैं, एक p25 की यानी परसेंटाइल्स 25 नंबर पे जो है, नेक्स्ट है परसेंटाइल 40 पे, फिर परसेंटाइल 95 पे। ये अनग्रुप वाले हैं ये ग्रुप वाले। अनग्रुप में वही प्रोसीजर है, यहाँ पे क्या करते थे हम Q1 जब फाइंड किया था 1 से मल्टीप्लाई किया था डिवाइड 4 पे किया था। अब परसेंटाइल में टोटल 100 है, 25 वाला परसेंटाइल जब मैं फाइंड करूँगा तो इसको मल्टीप्लाई 25 से करूँगा डिवाइड 100 पे करूँगा और अप टू सो ऑन ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे जैसे मीडियन के अनग्रुप में आते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्रुप डाटा में जो P25 का फार्मूला बनेगा 25n डिवाइडेड बाय 100 माइनस सी और P40 L प्लस H ओवर F 40n ओवर 100 माइनस सी और इसी तरह P95 का भी आपके पास ये आ जाएगा और पोर्शन वही वाला चेंज हो रहा है n ओवर 2 वाला, यानी मीडियन में हमारे पास n ओवर 2 होता था, यहाँ पे हम P25 कर रहे हैं तो 25n डिवाइडेड बाय 100 माइनस सी और प्रोसीजर वही का वही है जैसे हम पहले इसको सॉल्व करते थे n ओवर 2 को, फिर उस वो जो वैल्यू हमारे पास आती थी उसको हम CF में चेक करते थे और वो हमारी मॉडल क्लास होती थी, उसमें से हम L, H, F और C की वैल्यू देख लेते थे, इसमें पुट कर लेते थे। इसी तरह हमने ये भी सॉल्व करना है। अच्छा जी आ जाए आज चैप्टर नंबर 4 जो था मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, जो आज टॉपिक हमने पढ़ना था वो था क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का मीनिंग जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन है इसकी हमारे पास ये बोर्ड में इंटर के ICS 1 की, अगर ये सिलेबस काउंट किया जाए तो इसमें 2 नंबर की ये डेफिनेशन कंसिडर होती है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन, यानी हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ होता है जब हम फर्ज करें 1 का हाफ 1 ओवर 2 है तो 2 पे डिवाइड कर दें तो हाफ आ जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन हाफ ऑफ डिफरेंस यानी इस डिफरेंस का हाफ जब 2 पे डिवाइड करें, अब अपर एंड लोअर क्वार्टाइल यानी ये जो है इसको हम अपर क्वार्टाइल Q3 और Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल होता है। अब ये फार्मूला इसका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने किया है, हमारे पास ये क्लासेस हैं, कोई डाटा है जिसकी वैल्यू क्लासेस 5 हैं विद फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप डाटा है, तो इसमें
देखना है, सबसे पहले ये देखना है हमने कि ये जो क्लासेस हैं ये क्लास बाउंड्री हैं कि नहीं, यानी हर क्लास में अपर और नेक्स्ट की लोअर ये सेम अगर आ रही हैं तो आपके पास क्लास बाउंड्री है, अदरवाइज क्लास लिमिट होगी। अब इसमें से सबसे पहले मैंने कॉलम बना लिए, अगर ये क्लास बाउंड्री है तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बना लें, ये मेरे पास आ गया। और नेक्स्ट मैंने सबसे पहले फार्मूले में देखे Q3 मुझे चाहिए, Q3 का फार्मूला L प्लस H ओवर F 3N ओवर 4 माइनस C। अब इसमें जब हम मीडियन सॉल्व करते थे, यहाँ पे देखें जरा, N ओवर मीडियन में जब सॉल्व करते थे तो N ओवर 2 करते थे, इसी तरह Q3 जब सॉल्व करना है तो इस पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करना है 3N ओवर 4। अब मैंने इसको इस यहाँ पे कोने में कर लिया 3N ओवर 4, N की जगह पे सम ऑफ F और सम ऑफ F की जगह पे मेरे पास 10 तो इसको मल्टीप्लाई किया 30 ओवर 4 आ गया, 7.5 आया फाइनल आंसर। आपने 7.5 को देखना CF के कॉलम में कहाँ पे आ रहा है ये, तो ये देखें ना 1 में आता है, 4 में, 5 में, 10 में आता है 7.5। तो ये आपकी मॉडल क्लास है लास्ट वाली, इसमें आपकी जो लोअर क्लास है इसमें वो है 20, वो मैंने यहाँ पे 20 प्लस एच आपका है, इन दोनों में डिफरेंस अपर में से लोअर माइनस करते 5 आ जाएगा, ये आपका एच आ गया डिवाइडेड बाय F, तो F आपका F के कॉलम में मॉडल क्लास में 5 आ रहा है। नेक्स्ट आपने 7.5 माइनस 5 किया तो 2.5 आया, यहाँ पे 1 आ रहा था, इस 1 से मल्टीप्लाई करके 2.5 रह गया और इसको ऐड किया तो आपके पास Q3 का आंसर आ गया 22.5। अब नेक्स्ट आ जाए Q1, अब मुझे Q1 भी चाहिए क्योंकि फार्मूले में Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्वार्टरल डेविएशन आएगा। Q1 का जो फार्मूला है वो है L प्लस H ओवर F इंटू 1N ओवर 4 माइनस C, तो यहाँ पे साइड पे 1N ओवर 4 माइनस पहले सॉल्व कर लिया, तो 1N ओवर 4 की जगह पे N की जगह पे आप 10 पुट करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही रहेगा, 10 ओवर 4 करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा। उस 2.5 को फिर से CF में देख लें, तो CF में देखेंगे तो ये आपके पास 4 वाली क्लास में आएगा, तो 4 आपकी मॉडल क्लास मान जाएगी, ये वाली आपकी अब मॉडल क्लास है। तो यहां से आपने डाटा लेना है, यानी आपकी लोअर क्लास 5 होगी, आपका F 3 होगा, आपका H 5 होगा, और यहां पे देखें ये मैंने वैल्यूज पुट की हुई हैं 10, सॉरी ये यहां पे 4 और ये, यानी आपकी 10 वाली जो है ये लोअर क्लास होगी, 10 प्लस 5 ओवर 3 इंटू 2.5 आपका आया था, ये मैंने अलहदा से 1N ओवर 4 सॉल्व किया, 2.5 माइनस 1। सी की वैल्यू हम कहते हैं कि एक पीछे वाली मॉडल क्लास से एक पीछे वाली वैल्यू जो होती है वो सी की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, पहले माइनस किया है फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3 और इसको ऐड कर दें आपकी लोअर क्लास 10 में, Q1 आपके पास आ गया 12.5। अब आपके पास Q3 और Q1 आ गया, इसको बैक पुट कर दें इसमें, ये आपका फार्मूला था मेन, इसमें मैंने पुट किया 22 आपके पास था Q3, 12 आपके पास था Q1 डिवाइडेड बाय 2 किया और 5 आपका आंसर आ गया क्वार्टाइल डेविएशन का। अब जी लास्ट पे कल हमने जो रिसेंटली क्लास पढ़ाई थी उसमें मैं बताया था कि जो आपके पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है उसी का रिलेटिव होगा, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट मैंने किया है, इसका रिलेटिव क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। इसमें फार्मूले में इसी फार्मूले में आप वैल्यूज Q3 माइनस Q1 मैंने ऊपर सॉल्व किया हुआ है वो 10 आया था डिवाइडेड बाय 35, आपके पास Q3 और Q1 को प्लस करेंगे वही वाली वैल्यूज जो आपने फाइंड की हैं, प्लस करने से डिवाइड करेंगे जो आपकी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी या आई है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। यानी हम एक ही टाइम में जब हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन करते हैं तो हम उसी का रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह
मेन डेविएशन पे बात होगी। थैंक यू।